हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 25 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी, न्यूज ऑन एआर, दैनिक जागरण से उनकी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे जो आज न्यूज आई है वो आई है पोषण माह के बारे में, पोषण मंथ को लेके आई है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन मंथ क्या है, इसके बारे में दो चार फीचर्स हैं। इसके साथ ही हम पोषण अभियान के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो उन फीचर्स को हम यहाँ पे देखते हैं। पहले तो हम चलते हैं कंटेक्स्ट की ओर। कंटेक्स्ट ये है कि अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और नीति आयोग है, इन दोनों ने मिलकर एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप है वो स्टार्ट किया है। और इसका मेन मोटो ये है कि जो इस साल 2018 का जो सेप्टेम्बर मंथ है, इस मंथ में लोगों को पोषण के बारे में, मतलब जो अच्छा खाना होता है इसके बारे में लोगों को अवेयर करवाया जाएगा। हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, इससे निपटने के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा, लोगों को मैसेज है वो दिए जाएंगे। तो सितंबर मंथ है वो पोषण माह के नाम से बेसिकली जाना जाएगा। इस महीने, पूरे महीने पर गवर्नमेंट क्या करेगी, टेक्नोलॉजी की हेल्प से लेकर लोगों को जागरूक करेगी, लोगों को अवेयर करेगी। जगह जगह पे नुक्कड़ वगैरह है, वहां पे लोगों को पंपलेट वगैरह दिए जाएंगे। वहां पे उनको इन्फॉर्म करने के लिए तरह तरह के मेथड्स हैं वो यूज किए जाएंगे। नाटक के थ्रू लोगों को अवेयर है वो किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो पोषण अभियान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, उसको अगर सक्सेसफुल बनाना है, अगर उसको सक्सेस दिलानी है, तो उसके लिए बेटर है कि पहले लोगों को हम अवेयर करें। और उसी तर्ज पे गवर्नमेंट ने सितंबर को पोषण माह है या न्यूट्रिशन मंथ है वो घोषित किया है। और इस पूरे महीने पर गवर्नमेंट क्या करेगी, ग्रास रूट लेवल पे लोगों को जानकारी है वो प्रोवाइड करवाने के लिए स्टेप उठाएगी। मतलब घर घर जाकर लोगों को अवेयर करवाया जाएगा किस तरीके का खाना बच्चे को देना है, किस तरीके का खाना प्रेग्नेंट वुमेन को देना है, क्या क्या डिजीज हो सकती है, किन से निपटने के लिए कौन कौन से स्टेप है वो उठाने हैं। तो ये बेसिकली इस पे काम है वो किया जाएगा। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि जो पोषण माह है, ये एक इनिशिएटिव है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसी के साथ ही नीति आयोग है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से स्टार्ट है वो किया गया है। तो यूपीएससी यहाँ पे कई बार से कंफ्यूजन करने के लिए पूछ सकती है कि यह ओनली नीति आयोग द्वारा है या फिर ओनली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। तो देखो, जहां भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ओनली वाले जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट आते हैं ना, उसका मतलब ये समझ लेना कि 99% दाल में काला ही है। बहुत कम ऐसे, मतलब वो स्टेटमेंट आते हैं जो यहाँ पे सही होते हैं। अब इसका जो फोकस है पोषण माह का, ये बेसिकली 8 जगह पर रहेगा। मतलब 8 इसकी थीम है वो बनेगी है। तो कौन कौन सी 8 थीम है वो एक बार हम देख लेते हैं, मतलब कि कौन कौन से एरिया को बेसिकली यहाँ पे कवर किया जा रहा है। सबसे पहले बात आती है एंटेंटल केयर के बारे में, मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो केयर वगैरह की जाती है उसकी बात की जा रही है। इसके बाद में आती है ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कि ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करवाया जाए। इसके बाद में आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फूड, की बच्चों को जो पोषण, जो अच्छा आहार है, खाने की चीज़ें वो बच्चों को प्रोवाइड है वो करवाया जाए कॉम्प्लीमेंट्री फूड के तौर पर। इसके बाद में वुमेन में एनीमिया की भारी मात्रा में देखी जाती है इंडिया में, क्योंकि लगभग जो डाटा है मतलब इंटरनेशनल लेवल का, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में 50% से ज़्यादा जो वुमेन है उनमें एक्चुअली ब्लड की कमी है, उनमें एनीमिया डिजीज है वो पाई गई है। तो कहीं ना कहीं एनीमिया को काउंटर करना है तो उसके लिए खाना की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्रोथ मॉनिटरिंग, की ग्रोथ को टाइम टू टाइम मॉनिटर मेजर किया जा सके, ताकि पता चले कि कौन से प्रोटीन, विटामिन या किस की कमी है, इस पे फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही बात की जाती है अहम पॉइंट वो है गर्ल्स एजुकेशन, कि लड़कियों के लिए जो एजुकेशन है उसको फोकस किया जा रहा है स्पेशल, ताकि अगर एक पढ़ी लिखी लड़की होगी या पढ़ी लिखी महिला होगी तो पूरे घर को नहीं, पूरी सोसाइटी को एजुकेट कर सकती है, उस पॉइंट पे फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ ही यहाँ पे फोकस किया जा रहा है डाइट राइट एज ऑफ मैरिज, मतलब जो भी डाइट है उस पर फोकस किया जा रहा है सबसे पहली बात यहाँ पे। और फिर अगला पॉइंट आता है राइट एज ऑफ मैरिज, कि वो लड़की है उसको टाइम दिया जाए, उसके पास भी एक ऑप्शन होना चाहिए कि कब उसे शादी करनी है, इस पॉइंट पे भी यहाँ पे फोकस है वो क्या गया है। इसी के साथ ही अहम पॉइंट आता है हाइजेनिक एंड सैनिटेशन, कि साफ सफाई के ऊपर फोकस किया गया है इसमें। और फूड फोर्टिफिकेशन, मतलब जो खाना होता है उसमें अच्छे न्यूट्रिशंस वगैरह को ऐड है वो क्या जाए। तो ये बेसिकली 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पे इंक्लूड है वो क्या गया है। अब हम थोड़ा एक बार पोषण अभियान की तरफ देखते हैं, तब इन दोनों चीजों को हम अच्छे से लिंक है वो कर पाएंगे। तो देखो, जो पोषण अभियान है वो इसी साल मार्च, जो प्रधानमंत्री साहब है उनके द्वारा 8 मार्च को राजस्थान के झुंझुनू से स्टार्ट है वो किया गया था। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारे देश में माल न्यूट्रिशन या हम बोल सकते हैं कि कुपोषण की समस्या है वो काफ़ी गंभीर हो गई है। अब आप खुद जानते हो कि अगर काफ़ी गंभीर समस्या है तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाने होंगे, अदरवाइज हमारी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी नुकसान तो किरकिरी तो होगी होगी।
और हमारे जीडीपी का काफी सारा पैसा हम यहीं पे मतलब बीमारियों में ही खर्च है वो कर देंगे। तो बेटर ही है कि हम लोगों को अच्छे खाने की जो क्वालिटी है, अच्छे रिसोर्सेज वगैरह है वो प्रोवाइड करवाएं, और उसी तर्ज पर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है वो लॉन्च किया गया था। इसका मेन मोटो एक तो ये था कि टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से लोगों को अवेयर करवाया जाएगा, लोगों को खाने पीने की चीजें हैं उनके बारे में बताना, किसी के रहना है, वो सारे बेसिक पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखो इसका बेसिकली जो क्राइटेरिया थे हम बोल सकते हैं टारगेट थे, एक तो था स्टंटिंग को कि बच्चों की जो हाइट है एज के अकॉर्डिंग वो नहीं बढ़ पाती है, उसके ऊपर फोकस था। इसके साथ ही अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है कि बच्चों को जो पर्याप्त खाना है, इन बच्चों की बात नहीं सभी के लिए है कि पर्याप्त खाना नहीं मिल पाना, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होती है वुमेन में, उसके ऊपर फोकस किया गया है। इसी के साथ ही जो नया बेबी है बच्चा पैदा होता है उसका वेट काफी कम होता है, मतलब लो बर्थ वेट होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं कुपोषण की वजह से ही है, तो उसको काउंटर करना है। ऐसे जो पॉइंट्स हैं एडोलसेंट जो गर्ल है मतलब जो किशोर लड़की है उनके ऊपर भी फोकस करना है एजुकेशन के लिए। इसके साथ ही जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर जो लैक्टिक जो वुमेन्स हैं इनके ऊपर भी फोकस करना है ताकि उनकी हेल्थ वगैरह उनका भी ध्यान रखा जा सके और बच्चे का भी सर्वांगीण विकास है वो हो सके। तो काफी सारी अप्रोच इसमें बेसिकली लेके चली गई है, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। इसके साथ ही अहम बात यह है कि देखो टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके इसमें क्या किया जाएगा, जो पैरामीटर्स हैं उनको बार बार चेक किया जाएगा कि भाई जैसे इस साल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई तो उसके बाद देखा जाएगा कि इस स्कीम का रिजल्ट कैसा आया है, जो जो खामियां रही हैं उनको वापस दूसरी स्कीम या उसमें वापस अपडेट किया जाएगा। तो मतलब गवर्नमेंट की जो अप्रोच है इस बार काफी नई तरीके से गवर्नमेंट अप्रोच है वो लेके आई है, और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2020 तक सभी स्टेट्स में और यूटीज में इसको बेसिकली लागू वो करना है। तो ये था बेसिकली पोषण अभियान। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल के बारे में। तो देख लेते हैं कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसने इंडिया को लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल है इसको बनाने की बात है वो की है। अब नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल होगा क्या, क्या इससे इंडिया को बेनिफिट हो सकता है वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चंस की बात करें प्रीलिम्स में तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ही हो सकता है कि नेशनल लॉजिस्टिक जो पोर्टल है वो ट्रांसपोर्ट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का है, तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। अब देखो बात करते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर या ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। हम लॉजिस्टिक सेक्टर या ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो काफी अहम होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, क्यों, क्योंकि सामान आना जाना, सामान की माल बुढ़ाई है वो सारा काम ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है, और काफी तेजी से सामान जाना और काफी तेजी से सामान आना काफी अहम होता है, क्योंकि जो खाने पीने की चीजें होती हैं या फिर जो खाद्य सामग्री कुछ ऐसी होती हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं, तो उनको अगर हमें बचाना है तो जल्दी से जल्दी उनको ट्रांसपोर्ट करना होगा ताकि वो डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें और उनका कंजुम्पशन है या उनका उपयोग है वो हो सके। अब आपको देख सकते हो मान लो कि दूध है ऐसी चीजें अगर इनको ट्रांसपोर्ट होने में 5-5-6 दिन लग जाएंगे तो ऑब्वियसली वो खराब हो जाएंगी, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर काफी अच्छा होना चाहिए कि डिलीवरी बहुत फास्ट हो ताकि क्या चीजें खराब हो, सॉरी चीजें कब खराब हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छा आउटपुट है वो मिल सके। और उसी तर्ज पे गवर्नमेंट चाह रही है कि अगर हम हमारे देश का लॉजिस्टिक सेक्टर इंप्रूव करें तो उससे हमारा डोमेस्टिक ट्रेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। अभी इश्यू क्या रहता है, आपको देख सकते हो कि हम एक सिटी से दूसरी सिटी में कोई भी कोरियर वगैरह भेजते हैं तो अभी खैर टाइम लगता है, 1-2 दिन ऐसे लगते हैं, जबकि कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों सिटी के बीच में जगह काफी कम होती है, तो मतलब देखा जाए तो 1 डे डिलीवरी भी पॉसिबल है, बट वो भी बहुत कम एरिया में ही है और काफी महंगी पॉलिसी है वो चल रही है। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है, लॉजिस्टिक जो सेक्टर है हमारे देश का, वो काफी सस्ता कब होगा, जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब ट्रांसपोर्ट का जो सामान है वो बहुत जल्दी से उधर मूव करेगा तो ट्रांसपोर्ट की जो खर्चा है वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली। जैसे ये मान लो कि दिल्ली से जयपुर का एग्जांपल लो कि दिल्ली से जयपुर के बीच में ट्रांसपोर्ट करवाना है, अगर दिन में एक गाड़ी जा रही है तो मतलब ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा हो रहा है, और अगर वहीं ट्रांसपोर्ट का सामान बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट को खर्चा कम होगा, ट्रांसपोर्ट की जो अमाउंट आएगी लोगों की वो बहुत सस्ती पड़ जाएगी। आप खुद देख सकते हो कि आज से 10 साल पहले ट्रांसपोर्ट था जो भी हम अगर करवाते थे कोरियर वगैरह वो काफी महंगा पड़ता था, जबकि आजकल लोकल कोरियर वगैरह इतने सस्ते हो गए, क्यों, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारा लगातार बढ़ रहा है और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर बढ़ाएं ताकि हमारे देश का एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके, टाइम पे हम चीजों को डिलीवरी है वो कर सकें। पोर्ट्स वगैरह के साथ गवर्नमेंट कनेक्टिविटी के लिए और भी तरह के अभियान है वो चला रही है ताकि पोर्ट्स को कनेक्ट किया जा सके, रेलवे वगैरह के थ्रू भी गवर्नमेंट कॉरिडोर बना रही है। अब देखो बात ऐसी है, हम हमारे देश की अगर लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करें तो हमारे देश में लॉजिस्टिक सेक्टर है वो अभी तक देखा जाए तो लगभग $150 बिलियन का है,
हर साल का। तो गवर्नमेंट का प्लान ये है कि आगे आने वाले 2 साल में इसे लगभग 250 बिलियन डॉलर का तो कम से कम बनाया जा सके। और अभी देखा जाए तो हमारे देश की जो जीडीपी है उसका हम 14% जो हिस्सा है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में खर्च कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि भाई ये जो 14% है ना, इसकी जो सॉरी कॉस्ट है इसको हम 10% पे ले गए, मतलब जो ट्रांसपोर्ट के खर्चे की लागत है वो हम 10% तक कर दें। ऐसा तभी हो पाएगा जब हम ट्रांसपोर्ट की स्पीड को बढ़ा दें। तो कहीं नहीं कि गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर है या लॉजिस्टिक सेक्टर है वो हमारे देश में लगभग 22 मिलियन लोगों को जॉब है वो दे रखी है उसने। और बात की जाए अगर हम हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो खर्चा है उसको 10% कम कर देते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो लॉजिस्टिक सेक्टर का जो खर्चा है उसको कम करते हैं 10% तक, तो हमारे देश का एक्सपोर्ट 5 से 8% तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। क्योंकि एक्सपोर्ट की स्पीड बढ़ेगी तो जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो इंडिया से ज़्यादा सामान है वो इम्पोर्ट कर पाएंगी वहाँ पर, तो ये कुछ बेनिफिट इंडिया को हो जाएंगे। इसके साथ ही बात की जा रही कि जो नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल है ये होगा क्या, ये देखो एक तरीके एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, मतलब एक मान लो कि ऑनलाइन वेबसाइट है, इस पे सारी डिटेल्स रहेंगी। जैसे कि कोई भी कहीं भी सामान को क्लियरेंस वगैरह लेना है या फिर कोई भी टोकन वगैरह का काम हो, सारे काम एक ही जगह हो जाएंगे इस पोर्टल पे ट्रांसपोर्ट के लिए। बार बार कोई बिल्टी वगैरह का ऐसा कुछ काम नहीं रहेगा, एक बार ही काम है वो हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि एक तो इंडिया में कंपटीशन बढ़ेगा आपस में कंपनीज में ट्रांसपोर्ट को लेके, तो जिससे सामान है वो सस्ते में एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही जॉब मिलेगी लोगों को और रैंकिंग है वो भी इंडिया की ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की स्पीड बढ़ेगी तो इंडिया के लोगों की रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। इसके साथ ही अहम बात क्या है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है लॉजिस्टिक सेक्टर में ग्लोबल लेवल पे वो भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं इसका फायदा इंडिया के लोगों को और इंडिया को सभी को इसका फायदा मिलने वाला है। तो ये है नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो आई है वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक है उसने पहली बार ऐसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बॉन्ड है वो रिलीज किया है, तो उस पर यूपीएससी क्वेश्चन से वो डायरेक्टली पूछ सकती है कि वर्ल्ड बैंक है उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड एक बॉन्ड है वो अभी लॉन्च किया है जिसका नाम है बॉन्डी बॉन्ड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बॉन्डी बॉन्ड अगर कहीं न्यूज़पेपर में कि यूपीएससी पूछ सके न्यूज़पेपर में था रिसेंटली वगैरह तो किससे रिलेटेड है, तो हमें ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हुए एक बॉन्ड है वो जारी किया गया है। और ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बॉन्ड है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पहली बार लॉन्च है वो किया गया है। इसी के साथ ही जो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉमनवेल्थ बैंक है वो इसका एक तरीके से मैनेजमेंट है वो संभालेगा या वो इसको मैनेज है वो करेगा, तो ये चीज थोड़ी हमें ध्यान है वो रखनी है। और एक अहम छोटा सा फैक्ट ये है कि वर्ल्ड बैंक के जो बॉन्ड है उनकी रैंकिंग है वो AAA की है, तो यहाँ पे ये भी एक छोटा सा फैक्ट बन जाता है जिसपे मे भी यूपीएससी पूछ ले तो थोड़ा पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक की जो बॉन्ड की रेटिंग है वो है AAA। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है iSAT-2 सेटेलाइट के बारे में, देख लेते हैं। देखो iSAT-2 सेटेलाइट है वो बेसिकली नासा है, इसको भी लॉन्च करने की तैयारी है वो कर रहा है। इस सेटेलाइट के क्या क्या फीचर्स होंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। इस सेटेलाइट के देखो बेसिकली तो 4 ऑब्जेक्टिव हैं वो रखे गए हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह की आइस वो मेल्ट हो रही है, मतलब बर्फ पिघल रही है ग्लेशियर में, तो उसको यह मेजर करेगा कि भाई कितनी तेजी से पिघल रही है, क्या क्या उसके मतलब रीजन है, वो सारी चीजें डिस्कस यहाँ पे की जाएंगी। इसके बाद में जो आइस सीट है जो ग्लेशियर्स वगैरह में उसमें चेंज हो रहा है, मतलब उसका मास वॉल्यूम है वो भी कम हो रहा है, तो उस पर भी ये स्टडी वगैरह करेगा। तीसरा काम क्या होगा कि जो आइस की थिकनेस है, मतलब आइस की मोटाई भी लगातार कम होती जा रही है, तो वो सी के अंदर आइस की मोटाई कम क्यों होती जा रही है, इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उन सब के ऊपर ये स्टडी करेगा। और चौथा देखो जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा काफी अलग है, तो वो देख के आपको लग सकता है कि यार यूपीएससी ये तो शायद गलत है। चौथा स्टेटमेंट ये है कि जो भी हमारा इको सिस्टम में फॉरेस्ट वगैरह है या फिर जो भी वेजिटेशन है उनकी हाइट को मेजर करेगा, मतलब पेड़ पौधे वगैरह की हाइट्स वगैरह को भी मेजर करने में ये वो रहेगा। तो देखो चौथा जो ऑप्शन है वो काफी अलग है, तो ये भी यूपीएससी देके पूछ सकती है और इसमें हमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है वो नहीं है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ और इसके पॉइंट्स को हम देखते हैं। देखो जो हमारे अर्थ के जो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक साइड तो है आर्कटिक ओशियन है, सॉरी आर्कटिक ओशियन है, और दूसरी साइड के हैं अंटार्कटिका, आपको पता है कॉन्टिनेंट है। इन दोनों में बर्फ वो लगातार पिघलती जा रही है, तो उस बर्फ की स्टडी करने के लिए कि भाई पोल के अंदर बर्फ वो जो पोलर आइस है वो पिघल रही है, किस तेजी से पिघल रही है, क्या क्या उसका इफेक्ट पड़ने वाला है, उन सब वो यह स्टडी है वो करेगा। तो इसमें बताया गया है कि नॉर्थ के हिस्से में, मतलब जो आर्कटिक ओशियन में जो ग्रीनलैंड है उसके ऊपर स्टडी करेगा, इसके साथ ही साउथ में अंटार्कटिका में स्टडी है वो की जाएगी।
और हर सेकंड जो ये सैटेलाइट है वो लगभग 60,000 सैंपल कलेक्ट करेगा और उनके आधार पे बहुत बारीकी से देखा जाएगा कि भाई जो आइस के ग्लेशियर्स हैं उन पे क्या इफेक्ट है वो पड़ने वाला है। इसके साथ ही एक छोटा सा सिस्टम उसमें और ऐड किया गया है जिसका नाम है एडवांस टोपोग्राफिक लेजर अल्टीमीटर सिस्टम। ये एडवांस टोपोग्राफिक लेजर अल्टीमीटर सिस्टम है, ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का स्पेसक्राफ्ट है, सॉरी ये एक तरीके का सिस्टम है जो क्या काम करेगा, जो हमारे अर्थ के बाहर जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं वो और हमारी अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस आती है, जो गैप है, उसको फोटोन की हेल्प से स्टडी करेगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि एडवांस टोपोग्राफिक लेजर अल्टीमीटर सिस्टम में ये बेसिकली जो स्पेसक्राफ्ट बाहर जाते हैं उनके बीच में और जो हमारी अर्थ है इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी दूरी है, इसको बेसिकली फोटोन की हेल्प से यहाँ पे मेजर है वो किया जाएगा। तो ये इसके बारे में हमने देखा कि आईसेट सैटेलाइट 2 है वो अभी नासा उसको लॉन्च करने की कोशिश है, वो तैयारी उन्होंने कर ली है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है बुद्धिस्ट हेरिटेज के बारे में। देखो कंटेक्स्ट ये है कि 6th जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव है 2018 में लॉन्च करनी थी वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आयोजित है, कॉन्क्लेव है वो की जा रही है। यह एक बुद्धिस्ट हेरिटेज जो साइट्स हैं बुद्धिज्म को जो प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव है ये आयोजित किया जा रहा है। तो हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि बुद्धिज्म है वो अभी उसकी 6th इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई है। महाराष्ट्र का जो टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ये दोनों की कोलैबोरेशन से इस कॉन्क्लेव को स्टार्ट है वो किया गया है। इस बार की थीम की बात करें तो थीम है बुद्धाज पाथ द लिविंग हेरिटेज, तो ये थीम भी थोड़ी हमें ध्यान है वो रख लेनी है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने पोषण मंथ या पोषण माह के बारे में डिस्कस किया, इसके साथ ही हमने देखा कि नेशनल लॉजिस्टिक जो पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, मेन मोटो इसका यही है कि लॉजिस्टिक हब बनाना है इंडिया को। इसके साथ ही हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक है उसने पहली बार ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक बॉन्ड है वो रिलीज किया है जिसको ऑस्ट्रेलिया का एक कॉमनवेल्थ बैंक है वो उसको मैनेज है वो करेगा और वर्ल्ड बैंक की जो बॉन्ड की रेंटिंग है वो है AAA। इसके साथ ही हमने देखा कि आईसैट 2 सैटेलाइट है वो नासा लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, उसके हमने पॉइंट्स देखे कि मेनली जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है उसको यह स्टडी है वो करेगा। इसके बाद हमने देखा कि जो 6th इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव है 2018 में आयोजित करनी थी वो इस बार महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आयोजित की जा रही है, महाराष्ट्र का टूरिज्म डिपार्टमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दोनों मिलके। इसके साथ ही हमने देखा कि पोषण अभियान है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है जिसका मेन मोटो है कि हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है कुपोषण की, इससे निपटने के लिए इसके द्वारा स्टेप है वो उठाए जाएंगे। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।